हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विजय कुमार है और आप देख रहे हैं टेक्निकल विजय चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ही नहीं बल्कि आप अपने फैमिली का, अपने गार्जियन का, यानी कि आप पड़ोसी का, यानी एक्स वाई जेड, आप किसी का भी मतलब वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा क्या होता है दोस्तों कि आपका वोटर आईडी कार्ड कहीं खो जाता है या फिर आप कहीं रख देते हैं, आपको याद नहीं रहता है। तो सिंपली आपको यहाँ से डाउनलोड कैसे करना है, वो भी अपने फ़ोन से। तो सिंपली से आपको करना क्या है, अपने क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना। जैसे कि आप क्रोम ब्राउज़र पर चले जाते हैं, क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद फिर आपको अपने सॉरी आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। सॉरी, यहाँ पर इस ट्रिपल बिंदु पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपने फ़ोन को आपको डेस्कटॉप मोड पे ले लेना है। तो मैं अपने डेस्कटॉप मोड पे ले लेता हूँ और डेस्कटॉप मोड हो चुका है। फिर आपको सर्च बार पे एंटर मारना है, NVPS। इतना एंटर मारने के बाद डॉट इन यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वहीं पर आप आ जाएंगे, वही बाल मतलब वेबसाइट पर आ जाएंगे, जिस मतलब NVPS की वेबसाइट आप अदा वो सॉरी वोटर आई डी कार्ड की वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, आप यहां से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो सिंपली से हमको अपना वोटर आई डी कार्ड डाउनलोड करना है, तो आप सिंपली से हम यहां पर क्लिक करेंगे और आपको अप्लाई करने का भी वीडियो मिल जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर एंटर जैसे ही मार देते हैं, सर्च पर एंटर जैसे ही मार देते हैं, सर्च पर एंटर मारने के बाद आपके सामने कुछ दूसरे प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर टाइप कर देना है अपना नेम। तो सिंपली से मैं अपना नेम टाइप कर लेता हूँ और अपना नेम टाइप करने के बाद नीचे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही नीचे क्लिक करने के बाद अपना आप उम्र सेलेक्ट कर सकते हैं, जन्म तिथि लिख सकते हैं या फिर उम्र लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, ठीक है ना। फिर आपको राज्य पे चले जाना है सबसे नीचे। उसके नीचे आने के बाद उत्तर प्रदेश अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका राज्य हो। तो फिर आपको डिस्ट्रिक्ट, आप जो डिस्ट्रिक्ट पे पढ़ते हो तो वो आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। मैं अपनी हमीरपुर है, मेरी हमीरपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले क्या है, विधानसभा निर्वाचन। तो सिंपली आपको विधानसभा निर्वाचन पर हमीरपुर सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका मतलब हो। और यहाँ पर अपना फादर्स नेम दे देना है। फादर्स नेम ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फादर्स नेम नहीं देंगे तो यहाँ पर बहुत सारे वोटर आई डी कार्ड आ सकते हैं, तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं अपना फादर्स नेम दे सकता हूँ। और फिर देने के बाद उसके नीचे आपको यहाँ पर मतलब जेंडर मतलब सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेल सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको नीचे चले जाना है स्क्रॉल करते हुए। तो आपको यहाँ पे नीचे जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। तो कैप्चा हमारा जो है RKU VM V, खोजे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम खोजे पे क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं जो मेरा राशन कार्ड है, वो मतलब सॉरी मेरा जो वोटर आईडी कार्ड है वो आ चुका है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं। तो अभी मैं इसकी आपको भीम पूरी डिटेल दिखाता हूँ। तो डिटेल पे दिखाने के लिए सिंपली से आपको भीम डिटेल पे क्लिक करना है। तो भीम डिटेल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। और भीम डिटेल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा का पूरा आपका वोटर आईडी कार्ड का मतलब आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं विजय कुमार मेल फीमेल सब कुछ आ चुका है। और आपको यहाँ से डाउनलोड करने के लिए मतदाता सूचना प्रिंट पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम।